प्रकृति में अक्सर ऐसी करिश्माई चीजें देखने को मिलती हैं जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। कई बार जानवरों की दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसे देखने के बाद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इन्हें अब जानवरों की समझदारी कहिए या फिर ना समझी, आज की इस वीडियो में हम आपको एनिमल किंगडम की कुछ ऐसी मजेदार क्लिप्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आप भी एनिमल लवर हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पेंगुइन्स एक समझदार और सोशल एनिमल माना जाता है। ये पत्थरों की मदद से अपना नेस्ट बनाते हैं। बर्फीली जगह पर पत्थर ढूंढना आसान नहीं होता। एक पेंगुइन नेस्ट बना रहा होता है कि तभी पत्थर थोड़े से कम पड़ जाता है। अब भला कौन पत्थर ढूंढने की मेहनत करे। पेंगुइन ने अपना दिमाग लगाया। एक अन्य पेंगुइन जो वहीं पर अपना नेस्ट बना रहा होता है वहां से पत्थर उठाने शुरू कर देता है, यानी पेंगुइन पत्थर को चोरी कर रहा था। और इस दौरान वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि दूसरा पेंगुइन उसे ऐसा करते हुए ना देख ले, वरना इन पेंगुइन के बीच लड़ाई हो सकती है। दोस्तों ये दृश्य किसी फिल्म का लग रहा है। एक बंदर ऊंचे खंभे पर बैठा होता है और अचानक हवा में उड़ते सीगल को पकड़ लेता है। बंदरों को ओमनिवोरस कैटेगरी में रखा जाता है, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खा लेते हैं। सीगल बंदर के चंगुल से बचने का प्रयास करता है, लेकिन बंदर तो मानो किसी भी कीमत पर अपने शिकार को जाने देना नहीं चाहता। वो सीगल को पीटना शुरू कर देता है और इतना पटकता है कि शायद ही इसके बाद सीगल जिंदा बच पाएगा। दोस्तों चूहे और बिल्ली की लड़ाई और भागदौड़ तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन जरा ये देखिए कैसे एक चूहा बिल्ली को चकमा देता है। भागते हुए चूहा बिल्ली के ही नीचे छिप जाता है। अब ये बिल्ली इधर उधर देखती है कि आखिर ये चूहा अचानक कहाँ गायब हो गया, लेकिन अपने नीचे बिल्ली झांकने की कोशिश नहीं करती। इससे एक बात तो साफ है कि बिल्ली मौसी चालाकी के मामले में चूहे से हार जाती है। दोस्तों चिड़ियाघर में कुछ लोग चिंपैंजी को केला देते हैं। एक चिंपैंजी केले का पूरा गुच्छा हड़प लेता है। इतने में ही पीछे से उसका साथी आता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। न जाने पीछे वाले चिंपैंजी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। शायद उसे लग रहा होगा कि कहीं पहले वाला चिंपैंजी सारे केले अकेले ना खा जाए। हालांकि कुछ ही देर में दोनों चिंपैंजी के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलना होगा, और ये बात इस कुत्ते को समझ में आ गई है। कुत्ता अपने साथियों को छोड़ भैंसों के झुंड में शामिल हो गया है और भैंस की पीठ पर सवार होकर शाही सवारी का आनंद ले रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुत्ता इन सभी भैंसों का मुखिया है, और अन्य कुत्ते इस कुत्ते को देख के हैरान हो जाते हैं। एक बेबी हॉक दो मुर्गों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने अटैक में नाकाम हो जाता है। इतने में ही दोनों मुर्गे बेबी हॉक के ऊपर झपट पड़ते हैं। बेबी हॉक छटपटाने लगता है, वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में मुर्गे शांत हो जाते हैं और बाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। दोस्तों इस अगली क्लिप में कुछ ऐसा दिखने को मिलता है। एक बाज का बच्चा मुर्गे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्गे का वार बाज पर भारी पड़ जाता है। मुर्गा उसी दौरान उसे खदेड़ कर चारों खाने चित कर देता है और फिर इसके ऊपर खड़ा होकर जीत का जश्न मनाता है। इसके बाद अब शायद ही कभी ये बेबी हॉक फिर कभी आसमान में उड़ान भर पाएगा। एक हॉक गलती से चिकन के इस फार्म में आ जाता है। यहाँ पर आना इस बाज की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। चिकन्स का पूरा झुंड इस बाज के ऊपर टूट पड़ता है। बेचारा अकेले हॉक इतने सारे दुश्मनों का सामना भला कैसे कर पाएगा, और कुछ ही देर में हॉक घायल होकर अपनी जान गंवा देता है। ये वीडियो साउथ अफ्रीका के जंगलों का है और एक सीक्रेट कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड की गई थी। एक लियोपर्ड छोटे से तालाब के पास बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा होता है। हिरण का एक बच्चा तालाब के पास पानी पीने के लिए आता है। इतने में ही लियोपर्ड इस हिरण पर अटैक कर देता है। एक बार तो ये हिरण लियोपर्ड के वार से बचने में सफल हो जाता है और तैर कर दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन लियोपर्ड अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देता। तुरंत ही लियोपर्ड तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच जाता है और हिरण को पकड़ लेता है। हिरण इस बार भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। हिरण को बाहर लाने के बाद लियोपर्ड इधर उधर देखता है, क्योंकि अक्सर जंगल में ऐसा होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार छीन लेते हैं, इसलिए शिकार करने के लिए भी इन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है। दोस्तों नदियों तालाबों में सिक्का डालने की परंपरा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रचलित है। लोग पानी में सिक्का फेंक कर अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।
एक कछुआ अस्वस्थ महसूस कर रहा था। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी पेट की जांच की तो वो हैरान रह गए। कछुए के पेट से कई सिक्के और मछली पकड़ने वाले हुक निकाले गए। अलग अलग देशों के करीब 1000 सिक्के कछुए के पेट से निकाले गए थे। डॉक्टर्स की टीम ने कछुए के पेट को पिगी बैंक का नाम दे दिया था। दोस्तों, जिस पानी में कछुए और अन्य जीव रहते हैं वहां पर सिक्के न फेंकने की कोशिश करें। एक हफ्ते तक निगरानी में रखने के बाद कछुए को फिर से पानी में छोड़ दिया गया। दोस्तों, पाइथन का मुंह भले ही छोटा होता है लेकिन ये बड़े बड़े शिकार करने में माहिर होते हैं। पेड़ पर रहकर पाइथन अक्सर पक्षी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कोई बड़ा पक्षी आकर पेड़ पर बैठता है, पाइथन उसे अपना शिकार बना लेते हैं। पाइथन का रंग पेड़ से मिलता जुलता है, जिसे कैमोफ्लोज कहते हैं, जिस कारण ये पक्षियों की नज़र में भी आसानी से नहीं आ पाते। पाइथन पूरे पक्षी को एक ही बारी में निगल जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बंदर को देखते ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये प्रकृति बेहद विचित्र है। ये फीमेल डॉग एक बंदर के बच्चे को अपनी पीठ पर कैरी किए हुए है। बहुत कम समय में ही कुत्ते और बंदर के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फीमेल डॉग उम्र में बंदर से बड़ी होती है, बंदर अभी बच्ची होती है। ये दोनों न सिर्फ हर वक्त साथ रहते हैं बल्कि बेबी मंकी इस फीमेल डॉग का दूध भी पीता है। ऐसा लग रहा है मानो इस फीमेल डॉग ने बंदर को गोद ले लिया है। इन दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। आसपास रहने वाले लोग अक्सर इन दोनों की वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेते हैं। दोस्तों, एक जंगली सुअर पालतू सुअरों के झुंड में घुस जाता है। वैसे तो जंगली सुअरों को बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन पालतू सुअर भी ताकत के मामले में किसी से कम नहीं है। पालतू सुअर आमतौर पर शांत ही रहते हैं, लेकिन यदि इन्हें गुस्सा आ जाए तो वो बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ा देते हैं। देखिए कैसे पालतू सुअर ने इस जंगली सुअर को खदेड़कर बाहर भगा दिया। ऑफिस में या घर में अक्सर हम दराजों को बिना देखे बंद कर देते हैं, लेकिन ये क्लिप देखने के बाद आप दोबारा कोई दराज बिना देखे बंद नहीं करेंगे। एक बिल्ली चुपचाप दराज में घुस जाती है और ये महिला दराज बिना देखे ही बंद कर देती है। न जाने कितने समय तक ये बिल्ली दराज में ही बंद रही होगी। हो सकता है कि सीसीटीवी में सिक्योरिटी टीम ने ये देख लिया होगा और बिल्ली को तुरंत ही आज़ाद कर दिया होगा। बाज को यूं ही सबसे खतरनाक पक्षियों में नहीं गिना जाता। बाज के वार से बचना कई बार नामुमकिन हो जाता है। ये बाज तीतर के झुंड पर हमला करता है और एक तीतर को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। बाज के एक वार से ही तीतर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अन्य तीतर अपनी जान बचाने के लिए हाथी की ओर ध्यान नहीं देते। इसके बाद बाज आराम से अपने शिकार को नोच नोच कर खाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि राम राज्य में जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। अक्सर जंगली जानवर एक दूसरे के नज़दीक आने से बचते हैं और यदि इनका आमना सामना हो भी जाता है तो दोनों के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन ज़रा ये देखिए कैसे मगरमच्छ के झुंड के बीच ये शेर आराम से बैठा है। ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा का पूरा एक ही परिवार हो। शेर धूप सेक रहे हैं, कुछ मगरमच्छ सो रहे हैं तो कुछ अपना भोजन कर रहे हैं। दोस्तों, बंदरों को शायद कछुए ज़्यादा पसंद नहीं होते या फिर बंदर नहीं चाहते कि कछुए इनके इलाके में आए, इसलिए तो ये बंदर कछुओं को वापस पानी में धकेल रहे हैं। अगर बंदर बोल पाते तो वे कछुए से यही कहते कि ये हमारा इलाका है, तू पानी से बाहर क्यों आया, चल वापस पानी में जा। जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष आपका खुद से होता है और ये बात इस कुत्ते पर भी लागू होती है। शीशे में खुद को देखकर कुत्ता एक बार तो भौंचक्का रह जाता है और घुर्राने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में ये कुत्ता शांत हो जाता है। अगर आप रात को देर से घर पर पहुंचते हैं तो शांति के साथ अपने कमरे में जाने की कोशिश करते होंगे, जिससे परिवार के अन्य लोगों की नींद न खराब हो। लेकिन कई बार ज़्यादा सावधानी में भी गड़बड़ी हो जाती है और कुछ सामान गिरने से सबकी नींद खुल जाती है। इस हिरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चुपके से घर में घुसने के कारण सारी गड़बड़ी हो जाती है। लास्ट में कुछ और मज़ेदार क्लिप्स आप देख लीजिए। आपसे कहा जाता है कि जहाँ पानी पड़ा हो वहाँ संभल कर चलना चाहिए, लेकिन ये बात भला जानवरों को कौन समझाए। और इस चूहे का पोल डांस तो देखिए कितना मज़ेदार है, और ये कुत्ता तो अकेले ही कैच खेल रहा है। बॉल लेता है, बॉलिंग मशीन में डालता है और फिर कैच करके दोबारा दोहराता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप किस जानवर की लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।